सो गाइस, अगर आप दिल्ली से, मैं आपको पूरी प्रॉपर लोकेशन बता देती हूँ कि आपको किस साइड जाना है, हम क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पजल हो चुके हैं और हमारे कोई लगभग 3-4 घंटे जो हैं वो वेस्ट गए हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ जहाँ, मतलब जहाँ से हम खुद जा रहे हैं, जो हमारा पर्सनल व्यू है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो है वो दिल्ली से साइड से, अगर आप आते हो तो आपको जयपुर जाना है। जयपुर से आपको आई थिंक आगे टर्न करना पड़ेगा, वो आपको मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि कहाँ पर जाके टर्न करना पड़ेगा। बस आपने सीधे हाईवे ले लेना है, मानेसर से सीधे आपने जयपुर की तरफ ले लेना, वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 16 किलोमीटर, 16-17 किलोमीटर होगा, इतना ही होगा। बाकी आपको आगे बताती हूँ मैं आपको कहाँ किस साइड टर्न करना है। तो इससे आपको ये होगा कि आपको पजल भी नहीं होंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पजल हो चुके हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पजल हो चुके हैं और हमारे 4 जो घंटे हैं वो लगभग वेस्ट हो चुके हैं, और ना ही हमने अभी तक कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और अभी 10 बजने को आए हैं लेकिन इतनी ज्यादा भूख लगी है। बस हमने मतलब ब्रश वगैरह किया था और कुछ नहीं किया था, तो बस अभी देखो यहाँ पे ना ही कुछ खाने के लिए कुछ है, ना ही कुछ पीने के लिए है, तो बस अभी निकल चुके हैं और देखते हैं कहाँ तक हमको जो है हमारी मंजिल लेके जाती है। घर से तो हम पूरे प्रॉपर ठीक टाइम पे, मतलब जहाँ तक पहुँच गए थे, बट अब आगे जाके हमारी बहुत, क्योंकि किसी को पूछ रहे थे कोई कोई रास्ते से लेके जा रहा था, कभी कोई रास्ते से लेके जा रहा था, फिर हम मतलब हम पूरा 5 बारी हमने जो चक्कर है वो लगाया दिल्ली का आगे पीछे, अब जाके थोड़ी सही लोकेशन पे पहुंचे हैं। तो मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप भी जम्मू टू मुंबई जाना चाहते हो तो आप भी ये वाला रास्ता लेना, ये बहुत ही अच्छा है रास्ता। बस ये है कि आपको यहाँ में खाने पीने की थोड़ी दिक्कत होने वाली है, वो आप दिल्ली से ही अगर आप ले सकते हो तो कुछ भी आप अपने लिए खाने पीने का सामान ले लेना, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे टोटल और यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है, इतना खाने खुने का कुछ भी नहीं है। तो अगर आप दिल्ली से आते तो अपना सामान जो है अपने साथ लेके आना। तो आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से जाना, रास्ता कुछ थोड़ा इस टाइप का है, गाड़ियों तो ऐसे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पे। तो गैस पेट्रोल जो हमने 2 बार डलवाया और जो हमने टोल लिया वो हमने 7 टोल दे चुके हैं आज तक, हमने अभी तक हमने 7 टोल जो है। तो गैस ये देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, 3 किलोमीटर जयपुर रह गया, इससे एग्जिट ले सकते हैं, और दिल्ली को भी 2 किलोमीटर आई थी। तो अभी हम थोड़ी सही लोकेशन से, जिससे भी किसी से पूछा उन्होंने बोला कि अगर आपको थोड़ा जल्दी जाना है, मतलब कि थोड़ा आसान जो रास्ता होगा वो यही रास्ता पड़ेगा कि आपको जयपुर से होते हुए निकलना पड़ेगा, यही सही रूट है। बाकी रूट्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ तक जहाँ से हम जा रहे हैं वो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा मतलब जल्दी पहुँच जाओगे आप, इससे पता नहीं कितने किलोमीटर का आपको थोड़ा वो होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम मुंबई एक्सप्रेस पे निकल चुके हैं, तो रोड आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि आप यहाँ पे ओवर स्पीड नहीं कर सकते। आपका मन तो बहुत ज़्यादा करेगा कि आप बहुत तेज़ी से चलाएं गाड़ी आप यहाँ पे, लेकिन स्पीडोमीटर यहाँ पे लगे हुए हैं और इंस्टेंट चालान आपके आपके फ़ोन पे आ जाएगा और वो आपको भरना ही पड़ेगा ऑनलाइन, नहीं तो आपकी जो कार है वो ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी। तो जब भी आपने उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाना होगा तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आप रोड देखिए, रोड इंजॉय करिए, यहाँ पे आप देखो कि ऑलमोस्ट ये 1, 2, 3, 4 लेन रोड है, तो काफ़ी शानदार रोड बनाया हुआ है। और मुंबई यहाँ से आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे आप अभी आप देखेंगे 1186 किलोमीटर दूर रह चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हमें खाने को फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह से जब से हम यहाँ इस रोड को हमने पकड़ा हुआ है, पहले KM एक्सप्रेस था, अब मुंबई एक्सप्रेस है, तो जब से हमने इस रोड को पकड़ा है ना तो हमें खाने को कुछ भी नहीं मिला है, सुबह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको साइड से भी व्यू दिखाता हूँ थोड़ा, कुछ भी नहीं देखो 85 दिखा रहा नहीं ऊपर, हमारी गाड़ी कितनी थी देख लो, तो स्पीडोमीटर के ऊपर अभी आपने देखा होगा कि जो भी स्पीड आपसे चला रहे होंगे ना, जिस भी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही होगी, वही स्पीडोमीटर के नीचे एक स्क्रीन लगी होती है, उसके नीचे आपकी स्पीड आ जाती है, अगर वो ओवर स्पीड में चली गई तो आपका जो चलान है इंस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप गाड़ी जो है वो 100 और 120 से ऊपर के नहीं रखे, मैं टोटल मतलब कि जो ओवर स्पीड की जो लिमिट है वो 120 है,
अगर आप कार लेके जा रहे हैं तो आप 120 से ऊपर की स्पीड से नहीं चला सकते, और वो चलानी भी नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम क्यों ना लग जाए, आप इजीली ड्राइव कीजिए, पेशेंस रख के ड्राइव कीजिए, जिससे कि आप आपकी और आपकी जो भी फैमिली अंदर बैठी है वो सेफ रहे। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो स्पीडोमीटर यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप इस रोड से निकल रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखिए। यहाँ पे आपको पानी भी आई थिंक नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको रास्ते से कोई पानी की सुविधा मिल जाएगी, वो भी बहुत ही मुश्किल है। खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ही मुश्किल है, वो अपने साथ रख के चलिए, क्योंकि 200-250 किलोमीटर का जो सफ़र है जो कि इसी एक्सप्रेस के थ्रू हमें करना है। तो यहाँ पे हमें फ़िलहाल अभी तक के सफ़र में, जब से ये रोड पकड़ा हुआ है KM एक्सप्रेस प्लस मुंबई एक्सप्रेस, पानी की भी कोई सुविधा नहीं थी एंड खाने पीने की भी कोई शॉप हमें देखने को नहीं मिली। तो गाड़ियाँ तो अच्छी खासी जा रही हैं यहाँ से, तो आई थिंक रोड आप इंजॉय कर सकते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत ही एकदम से पकी हुई घास है धूप में। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में, जैसे हमें कुछ अच्छा दिखता है। गाइस अभी हम आए हैं मैकडी में, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, तो अभी हमने यहाँ पे सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से भूखे थे और शुंडो को भी बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अभी हमने सोचा यहाँ से कुछ खा लिया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या लेते हैं हम खाने के लिए। चलते अभी हमने खा पी लिया है सब कुछ, तो अभी हमने मैकडी से खाया, फिर आगे जाके डोमिनोज था, डोमिनोज से भी हमने पिज्जा वगैरह लिया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो सॉरी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पूरा आपको रेगिस्तान मिलेगा, जैसे रेगिस्तान में होता ना सी बंजर जमीन टाइप, ये बड़े बड़े पहाड़ ये साथ साथ चलेंगे। आपको पानी की दिक्कत तो बहुत ही है यहाँ पे। हाँ, अगर आप पेट्रोल पंप से मतलब वॉशरूम वगैरह आपको यूज करना वो आप कर सकते हो, वो एकदम नीट एंड क्लीन है। बाकी यहाँ पे पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं है, पेट्रोल पंप पे आप जितना मर्जी पानी ले लो, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा शरारती करता है ये। तो गाइस बस अब हम निकल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारा जो 2 घंटे ऑलमोस्ट हमारे वेस्ट हुए हैं, 2 घंटे हमने ऑलमोस्ट वेस्ट कर लिए हैं, और 4 घंटे सुबह गए थे, 2 घंटे अभी कर लिए। तो बस निकल चुके हैं, अभी देखते हैं आप कहाँ पे जाके स्टे करेंगे। अब सीधे जाके सोना ही है हमको, और कुछ नहीं करना अभी। आई थिंक तब हमको 8 बज जाएंगे। चलिए गाइस मिलते हैं आपको। गाइस अभी हम आगे हैं होटल में, तो अभी हम पता नहीं सूर सर है, पता नहीं क्या नाम है जगह का, वहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। एक्चुअली आगे पीछे यहाँ पे कोई भी होटल नहीं था, और अगर होटल थे भी लॉज थे, और वो भी इतने ज़्यादा गंदे थे, मतलब कि रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर हमने बोला चलो निकल पड़ते हैं, और रास्ते में इतनी बारिश होने लग गई, उसके बाद हमारे साथ छोटा बच्चा भी था, तो और परेशान टेंशन वाली बात थी, चलो खुद का तो कुछ नहीं होता। फिर आगे जाके एक होटल मिला, फाइनली हमने यहाँ पे सोचा चलो यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। तो होटल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं आपको बाहर का थोड़ा बालकनी दिखा, यहाँ देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखिए आप ये कैसे हिल रहा है अपने आप। देन एसी रूम है, इसका प्राइस जो है वो हमको एसी वाले का 2000 पड़ा है। अगर आपको नॉन एसी चाहिए तो वो आपको 1500 में मिल जाएगा आराम से, और रूम भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ये बेड है, यहाँ पे आपको ये मिलता है आई थिंक टेबल टाइप मिलता है, और हमने 2 मैट्रेस लिए हैं बाहर रखा है, और बाहर का व्यू भी, टॉयलेट भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है टॉयलेट भी। देन बाहर का एरिया कुछ ऐसा है, यहाँ से आप एंट्रेंस कर सकते हो, रिसेप्शन है। तो मेरे हाथ में ना पता नहीं क्या एलर्जी हो गया गाइस, मैं जब भी धूप में जाते ना मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, पूरी लेग्स में पता नहीं क्या हो जाता है, ये देखिए। तो यहाँ से एंट्रेंस है, अभी मैंने फाइनली जो ड्रेस वगैरह ना चेंज कर लिया है, अभी मेरी कुछ यही लुक है, मैं इसी में ही रहने वाली हूँ।
तो यहाँ पे ये बैठे हैं जी। बाकी गर्मी बहुत है, ज्यादा है, तो रूम आई थिंक एक दो रूम ये हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल आई थिंक 8 रूम यहाँ पे हैं। आई थिंक ऊपर भी हो, मुझे नहीं पता। बाकी रूम ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमको, लेकिन एक दिक्कत ये है कि आज लाइट यहाँ पे तूफ़ान की वजह से लाइट जो है वो नहीं आ रही है। अब पता नहीं क्या होता, लाइट आती है कि नहीं आती है वो नहीं पता हमको। देन नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम सोचते हैं यहाँ पे स्टे कर लेते हैं। अभी बस रोटी छोटी खानी है, टाइम हुआ है 11 बजे हैं, तो 11 बजे हमने बहुत अच्छा जो मतलब कि फैसला लिया कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे। तो वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है, मैं आपको अभी कैसे बताऊँ। देखो एकदम नेचुरली इसी की तो ज़रूरत है ही नहीं है हमको। तो अब बस हम जा रहे हैं नीचे रोटी खाने के लिए। मेरे को तो भूख नहीं है, बट छोटे बेबी को, अपने बेबी को खिलाने पड़ेगी रोटी। उसने कुछ नहीं खाया, बच्चा है ना, फिर बाहर का कुछ खाता नहीं है ज़्यादा। तो अभी मैंने बोला पहले, सबसे पहले इसको रोटी खिलाओ। मम्मा अभी नहा रहे हैं, मैंने नहा लिया क्योंकि काफ़ी कल से सफ़र कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो ऐसे स्वेटिंग वगैरह होती है, उससे मेरे को एलर्जी देखा ही लिया आपने कितनी ज़्यादा एलर्जी होती है। तो बस हम नीचे जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको मैं बाहर। इसने बहुत मज़ा किया बैठ पे आके।